नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। शुरुआत करते हैं आज के चर्चा की, और आज का जो हमारे चर्चा का विषय है वो बेहद अहम है, क्योंकि योगी सरकार 2.0 का जो पहला बैठक है, जो पहला सदन है, पहले बजट सत्र की शुरुआत कल से हो रही है, जिसको लेकर आज बैठक भी हुई। आपको बता दें कि विधानसभा में सीएम योगी की सर्वदलीय बैठक हुई, जहां बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहे। इसके अलावा सपा से इंद्रजीत सरोज, आराधना मिश्रा मोना और राजा भैया भी मौजूद रहे। साथ ही बैठक में बसपा विधायक उमा शंकर मौजूद रहे। दरअसल सोमवार को विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसको लेकर बड़ी बैठक बुलाई गई थी। इस बजट सत्र से लोगों को क्या उम्मीदें हैं? हालांकि जब कोई भी सरकार बनती है, सरकार का गठन होता है, जब जनता मैंडेट कर किसी को सत्ता की कुर्सी पर बैठाती है, तो वो ये उम्मीद रखती है कि लोग जिसे वो अपना प्रतिनिधि चुनकर भेज रही है विधानसभा, वो उसका उसकी समस्याओं को समझेगा, उसकी बातों को आगे बढ़ाएगा, उसकी ज़रूरतों को समझेगा। क्षेत्र की जनता ये उम्मीद करती है कि उनके विधायक उनकी बातों को ले जा करके सदन में रखे, ताकि उनके समस्याओं का निस्तारण हो पाए। और योगी सरकार 2.0 का जो बजट सत्र है वो कल से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों ने कमर कस लिया है पूरी तरह से। विधानसभा में अपनी अपनी बातें रखने के लिए पूरी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सभी विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं से भी रूबरू हैं, दिक्कतों से भी रूबरू है। उन्हें पता है कि क्या कुछ नया जो व्यवस्था है, जो नई योजनाएं हैं, वो अपने क्षेत्र की जनता को देना है। अब ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या कुछ नए बजट सत्र में बातें निकल करके सामने आएंगी। आपको बताते चले कि पक्ष के साथ साथ विपक्ष से राजा भैया, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जो कि कुंडा से विधायक हैं, आराधना मिश्रा मोना जो रामपुर खास से विधायक हैं, वही बसपा से उमाशंकर सिंह, सभी इस बैठक में मौजूद रहे। वही चलिए आज के चर्चा की हम शुरुआत करते हैं, और चर्चा की शुरुआत से पहले मैं अपने मेहमानों से आपकी परिचय करा दूं। हमारे साथ देवेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की हमारी चर्चा में। सतीश निगम सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं हरीश चंद श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की चर्चा में। जैसा कि पांच राज्यों की चुनाव में चार राज्यों में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया, और योगी सरकार 2.0 का पहला जो बजट सत्र है वो कल से शुरू होने वाला है, किस तरह से आप इसको देखते हैं हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी? देखिए आदरणीय योगी जी की जो नेतृत्व है सरकार का, दूसरे कार्यकाल का प्रारंभ होने वाला पहला वायदा किया था वो प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उनका उनको पूरा करना, उन बजट प्राविधानों में उन व्यवस्थाओं को उन व्यवस्थाओं को करना, जिससे जो जन आकांक्षाएं हैं उसको पूरी प्रतिबद्धता के साथ सरकार उसको पूरी कर सके। और जैसा कि कल बैठक में ये बात सरकार की तरफ से कही भी गई कि हमारी प्राथमिकता जो हमारे वायदे हैं लोक कल्याण संकल्प पत्र के, उसको पूरा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हो। जी बिल्कुल, देवेंद्र सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े। देवेंद्र सिंह जी, कांग्रेस किस तरह से अपनी भागीदारी निभाएगी इस बार के विधानसभा बजट सत्र में? संगठन के बहुत बड़े विधायक हम भले संख्या बल में कम है, मगर उत्तर प्रदेश के जनमानस की बात को सदन के माध्यम से सरकार के कान में जो है उसमें डालेगी, और निश्चित
तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार की एक जिम्मेदारी है कि विपक्ष के लोगों की बात सुने और विपक्ष की जो भी राय हो वो सरकार अपने जो है क्रियाकलाप में लाए और सरकार जो है जनता की जो भी जनता से अपने लोक संकल्प पत्र में वादे किए हैं उसको बिना लाग लपेट के उसको पूरा करे। यही एक लोक कल्याणकारी सरकार की जो है ये जिम्मेदारी होती है। मगर सुशला जी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि जब से योगी की दूसरी बार सरकार जो बनी है लगातार महंगाई बेरोजगारी और कानून व्यवस्था बहुत ही बदहाल हुआ है। जो हालात इस समय उत्तर प्रदेश के हैं बिजली की समस्याएं दिन प्रतिदिन बहुत ही बुरे हाल पे पहुंच गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए और जो बेरोजगारी जो ट्राई कर रही है जिस तरीके से हो रही है लोग बाग जो है अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हैं वो फीस देने में असमर्थ है और न जाने कितनी समस्याएं एक इतनी जटिल समस्याएं होती जा रही है। महंगाई चाहे सब्जी हो चाहे दाल हो चाहे तेल हो चाहे पेट्रोलियम पदार्थ हो हर चीज में महंगाई आसमान छू रही जी, लोगों बिल्कुल। का जूझ का रोटी जो है ठीक से जूटा पाना दूभर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे लंबे वादे जनता से करते हैं मगर दुख इस बात का है कि जिस तरीके से सरकार बीजेपी चला रही है ऐसा लगता है कि उनको जो है देश के लोकतंत्र में संवैधानिक परंपराओं में मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। बहुत ही खराब बात है सुशला जी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष की बात सुनना नहीं चाहते और विपक्ष जो इनको अच्छा लगे इनकी सीधी सीधी सिद्धांत है विचारधारा है पता नहीं कहाँ से विचारधारा दुनिया से लेके आए हैं जो इनको अच्छा लगता है कोई भी चाहे हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु हो चाहे देश का प्रबुद्ध वर्ग एक नेतृत्व हो बुद्धिजीवी हो विपक्ष हो जब इनको कोई अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं बढ़िया है अच्छा अच्छा है मगर जो बात सरकार को खराब लगती है उसको वो जो भी टाइप में साबित करने का प्रयास करते हैं ये निश्चित तौर पर नहीं है। बिल्कुल देवेंद्र जी और हम उम्मीद भी करते हैं कि विपक्ष उस बार के विधानसभा सत्र में मजबूती से अपना पक्ष रखेगा। मैं आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ सतीश निगम जी जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से। सतीश निगम जी इस बार आपकी संख्या पिछले बार से ज्यादा है किस तरह से मजबूती से विपक्ष इस बार भागीदारी निभाएगा सदन में? समाजवादी पार्टी ने हमेशा राजनीति आम आदमी और गरीब आदमी की पिछड़ों की अल्पसंख्यकों की और गरीबों की राजनीति की है और हमेशा उनको कैसे न्याय मिले इसकी बात की है। समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के इस नारे को मानती है कि रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो लेकिन ये सच है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है दवाएं बहुत महंगी हो गई इलाज बहुत महंगा हो गया कोई नियंत्रण नहीं है कोई भी इस क्षेत्र में सरकार द्वारा काम नहीं किया है ना ही केंद्र की सरकार द्वारा ना ही हमारी प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रदेश सरकार का एक कार्यकाल थोड़ा सा वो देखने के लिए। अब सवाल महंगाई का जहां तक बात की जाए महंगाई चरम पर है आम आदमी की रीढ़ टूट गई है जो मध्यम वर्गीय अल्प मध्यम वर्गीय और गरीब आदमी है उसके साथ बहुत हो रही है मतलब उसके लिए एक एक बच्चा खाना कैसे खाया जाए ये सवाल खड़ा हो गया है। बेरोजगारी का आलम ये है कि हमारे नौजवान पढ़ लिख कर बेरोजगार सड़क पर घूम रहे हैं उनके पास रोजगार का कोई भी साधन नहीं है। ऐसे में जो हमारे नौजवान है वो कुंठित है और ये समझ नहीं पा रहे कितने तो बेचारे फॉर्म भरते रहे परीक्षाएं निरस्त होती रही और उसका परिणाम ये निकला कि अब वो उनको अर्हता अपनी खो गए और अब उनकी उम्र नहीं रही कि वो दोबारा कहीं अप्लाई कर सके। ऐसे तमाम बच्चे तमाम शिक्षा मित्र बेचारे आज भी सड़क पर घूम रहे हैं उनकी कोई सुनने वाला नहीं है तो हम यही कहना चाहते हैं। और भ्रष्टाचार जिसकी बात करते हैं हमारी ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की जो बात करती है कि बहुत ईमानदार है
और साफ भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दे रहे हैं। ये कोई भी आम आदमी जान सकता है कि जो काम पहले 10 रुपए में होता था अब 100 रुपए में होता है। महंगाई महंगाई के इस दौर में भ्रष्टाचार और बढ़ गया, तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार इस सरकार से मिला क्या? ये जो झूठे और खोखले नारों पर, जाति के नारे, धर्म के नारे, मंदिर मस्जिद के नारों पर जो चुनाव हो रहे हैं, ये नारों से सरकार को दूर रहना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि अपनी जनता को सुखी रखे, सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को राहत दे, हमारे नौजवान पढ़ लिख कर जो निकले उन्हें रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, शिक्षा सस्ती हो, मुफ्त हो, है ना। प्राइवेट स्कूलों पर कोई नियंत्रण नहीं है। हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा अगर देना है सरकार को, तो सारे बोर्ड भंग करके एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाना चाहिए और पूरे देश में एक शिक्षा होनी चाहिए, एक सिलेबस होना चाहिए। हम लोग याद करते हैं जब पहले हम लोग जब पहले बच्चे थे, हमारे पीछे हमारे जो छोटे भाई बहन या हमारे पड़ोसी या के बच्चे हम लोग किताबें लेके पढ़ लेते थे। आज ये स्थिति नहीं, हर साल सिलेबस बदल जाता है, पब्लिक स्कूल सब लूट के केंद्र बन गए हैं। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभी कोरोना काल में जिस तरह से लोग परेशान हुए, बजाय सरकार ने हमारे जो हम स्कूल के साथ भी है, ऐसा नहीं है हम स्कूल के विरोधी नहीं है, हम कॉलेजेस के विरोधी नहीं है, हम शिक्षा के अगर पक्ष में है तो इनके भी समर्थन है, हम समर्थन में। सरकार को स्कूलों को मदद करनी चाहिए, लेकिन सरकार के तो दावे सरकार लगातार ये कह रही है, वो योजनाएं नई नई ला रही है स्कूलों के लिए, अभी तमाम तरह की योजनाएं की शुरुआत भी की। इस कोरोना काल में इस सरकार ने कोई भी लाभ नहीं दिया, बल्कि 10% फीस बढ़ाने का जो उन्होंने अधिकार दे दिया स्कूलों को, इससे आम जनता और परेशान हो गई। इस कार्यकाल में जब कोरोना का पीरियड था, उसकी फीस तो या तो सरकार वहन करती, वो स्कूलों को देती, आधी देती, लेकिन जनता अगर फीस से मुक्त हो जाती, कोरोना काल में कोई आदमी काम नहीं कर सका। और बहुत से ऐसे लोग थे जो बेरोजगार हो गए, रोज कमाने वाले तो बेचारे खाने को तरस गए, ऐसे में अपने बच्चों को कैसे पढ़ा मैं? तो सवाल ये, सरकार शिक्षा के क्षेत्र में फेल, स्वास्थ्य के क्षेत्र में फेल, महंगाई के में फेल, फिर भी चार राज्यों की जनता ने मैंडेट दिया भारतीय जनता पार्टी को, उस पे भरोसा दिखाया, कहां कमी देखते हैं आप अपनी, कहां चूक गए आप लोग? सुनिए, चूक मेरी नहीं है, ये बात कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल, ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। और ये जो धर्म का नशा लोगों के दिमाग पर चढ़ाया जा रहा है, ये देश को गलत दिशा में ले जा रहा है। इसका इस्तेमाल कोई चुनाव जीतने में तो कर सकता है, लेकिन देश के लिए ये बहुत घातक है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देश को विकास की ओर ले जाना चाहिए, अच्छी शिक्षा की ओर ले जाना चाहिए, अच्छी चिकित्सा की ओर ले जाना चाहिए, भटकाना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमारे नौजवानों को, हमारे देश के लोगों को जाति और धर्म के संकीर्ण विचारधारा में फंसा करके चुनाव की जीत करके कुर्सी को हासिल कर ली है। बिल्कुल, सत्र की शुरुआत देश की भलाई है। जी बिल्कुल, सत्र की शुरुआत कल से होगी, अब पता चलेगा कि किन मामलों और कौन से बिल वहां पर रखे जा रहे हैं। सतीश निगम जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, पहले हम आपकी बातों का जवाब जान ले। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, हरीश चंद्र जी, जिस तरह से लगातार विपक्ष के साथ साथ युवा भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, युवा भी नौकरी की मांग कर रहे हैं, इस बार युवाओं के लिए क्या कुछ खास होगा, और जो तमाम तरह के आरोप विपक्ष लगा रहे हैं आप पर, उस पे क्या जवाब देंगे आप? कि विपक्ष का जो आरोप है वो पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड आरोप है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जो भी प्रबोधन कार्यक्रम था, सदन को पर्याप्त सभी जनप्रतिनिधि अपने समस्याएं रख सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, और सरकार का काम ही है कि समस्याओं का समाधान करना जी। और जहां तक महंगाई की बात है, रोजगार की बात है, पूरी दुनिया ये जानती है कि जिस तरह से लगातार 2 साल से कोरोना महामारी से पूरी दुनिया पीड़ित रही, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, भारत ही नहीं अपित पूरी दुनिया, अब आप पड़ोसी मुल्कों की हालत देखिए, पाकिस्तान और लंका जैसे मुल्कों की हालत क्या हो गई है, उनकी अर्थव्यवस्था क्या है, अमेरिका जैसे जो विकसित राष्ट्र हैं, उनकी उनकी अर्थव्यवस्था की हालत को आप देख सकते हैं।
सरकार तेजी के साथ जिस तरह से युवकों को, चाहे वो रोजगार का विषय हो चाहे वो महंगाई पे नियंत्रण का विषय हो, सभी जो ये समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, सरकार उसको एड्रेस करने के लिए तेजी के साथ काम कर रही है। और सरकार का जो लक्ष्य है आम आदमी की खुशहाली, उसको लेकर के सरकार काम करेगी। और सदन में जो बजट आएगा, बजट में कहीं कहीं इन सारी समस्याओं को एडजस्ट करने का हम काम करेंगे। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल ये करके उठ करके आता है कि किसानों के लिए कुछ क्या कुछ खास होगा हरीश चंद जी, और पुलिस को और मॉडर्न बनाने के लिए क्या कुछ बजट पास हो सकते हैं, क्या कुछ इसकी भी उम्मीदें लगाई जा सकती है? देखिए, कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जो पुलिस के मॉडर्नाइजेशन की बात है और जो उनके उसको लेकर के जो सरकार की योजना है, सरकार जो पहले से उस पर जो विशेषज्ञ समिति की रिपोर्टें हैं उनको क्रियान्वित करना, किसानों को और अधिक से अधिक सहूलियत प्रदान करना, उनकी आय को और उनकी आय बढ़े, उनका उत्पादन लागत से दुगना उनको लाभ उसका प्राप्त हो सके, इन सारे विषयों को लेकर के सरकार का लगातार काम भी कर रही है, उनकी हमारी योजनाओं में भी है और ये हमारे बजट से साकार हो। जी बिल्कुल, देवेंद्र सिंह जी, जिस तरह से लगातार इस बार लोगों को उम्मीदें हैं कि किस कई बिल पास होने की, जैसे कि उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी आ गया, किसानों को लेकर के बिल हो गया, क्योंकि किसानों का जो प्रदर्शन चला, कितने किसानों की मौत हुई उस प्रदर्शन में, उसको लेकर आपको क्या लगता है कुछ बजट पास हो सकता है, बड़ी राहत मिल सकती है? होना तो निश्चित तौर पे चाहिए कि जनता को, जनता के चुने के द्वारा चुनी हुई सरकार को राहत मिलनी चाहिए, और जो भी जनता को पूरा होना चाहिए, मगर दुख इस बात का है कि इससे कुछ मिलना नहीं है। सरकार अपनी हठधर्मता पे और जो इनको दोबारा बहुमत मिल गया है उस बहुमत का इतना जबरदस्त अहंकार है कि ये उस अहंकार में बिल्कुल जो है डूबे हुए हैं, और जनता इनसे अपेक्षा हम सब लोग कर रहे हैं कि कुछ जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो किसानों की समस्याएं हैं, आवारा पशुओं की समस्या है, किसानों की तो इतनी बदहाल इतनी बुरी स्थिति है जिसका सिलसिला जी मैं आपको क्या कहूँ क्या ना कहूँ, आपके चैनल से बहुत ही खराब है, और उनको MSP पे जो उनकी जो धान है या गेहूं है उसको बिकने नहीं पा रहा है, इतनी सारी समस्याएं हैं, जो सब्जी और फल जो उत्पादन करते हैं किसानों को उसका उचित मूल नहीं मिलता है, बिचौलिए उसको और लोग को ज्यादा उसका मुनाफा लेते हैं। ये आलू का उत्पादन इतना जबरदस्त हुआ, मगर जब किसान का आलू पैदा होता है तो उसको टके के भाव मिलता है, और वही जब में चला जाता है जब बनिया जो दूसरे व्यापारियों के पास जाता है तो वो उसका मुनाफा कमाते हैं। तो सरकार को निश्चित तौर पे संवेदनशील होकर के इन सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पे गंभीर चर्चा करनी, की दूसरी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के लोक संकल्प में वादा जनता से करके ये सत्ता में आए हैं वो पूरा करें, मगर अभी जो दूसरी सरकार में देखने में आया है कि जनता जो है जिस भारतीय जनता पार्टी की योगी की सरकार में कोरोना महाकाल में पैरासीटामॉल की टेबलेट ऑक्सीजन बेड न मिलने के अभाव में लाखों लोगों ने असमायिक मौतें हो गई, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? उनके लोगों के लिए पोषण के लिए आज मैं देखता हूँ, बहुत जगह देखता हूँ तिसला जी, जो जिन बच्चों के माँ बाप कोरोना के आकस्मिक उनका निधन हो गया है, उनके बच्चों की पढ़ाई छूट गई है, घर चलाना मुश्किल हो गया है, हम समझते हैं सरकार को संवेदनशील होके कोरोना पीड़ित लाखों लाख कोरोना पीड़ित लोग घूम रहे हैं, उनके बच्चे अनाथ हो गए हैं पिछला जी, कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी पढ़ाई लिखाई सब बाधित हो गई है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत सही बात मैं कहता हूँ पिछला जी आपके चैनल के माध्यम से
इस दिशा में भी सरकार को सोचना चाहिए, महंगाई को निश्चित तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो प्रतिनिधि है देवेंद्र जी आराधना मिश्रा मोरा रायपुर खास से विधायक जो चुन करके गई है, हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी बात बड़ी दमदारी के साथ इस बार सदन में रखे और जनहित के हित के लिए इस बार अपनी बात रखेंगे। इसमें कहीं कांग्रेस पीछे नहीं रहेगी, भले हमारी संख्या बल जो है सदन में कम है, लेकिन तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे दो ही विधायक जो है पिछले बार भी हमेशा कांग्रेस के हमारे नेता, हमारे चाहे वो आराधना मिश्रा जी रही हों चाहे अजय कुमार लल्लू जी रहे हैं, पर चल करके मैं सामाजिक मुद्दों को, प्रदेश की समस्याओं को सदन में से लेके सड़क तक कांग्रेस पार्टी ने उठाया है और हम एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, और जनता को यही उम्मीद है कि आपके जो भी सपोर्टर्स हैं उनको यही उम्मीद है कि अपनी बात आप दमदारी से इस बार सदन में रखें, जनता की बातों को, जनता की समस्याओं को हर हाल चाहे सरकार के कान में सुनाने का ये कांग्रेस हर हाल हर संभव प्रयास करेगी और करेगी और सरकार को बाध्य करेगी कि उत्तर प्रदेश की समस्याओं को। बिल्कुल बिल्कुल, और विपक्ष बड़ा अहम रोल निभाता है देवेंद्र जी सरकार में। अगर बात हम सतीश निगम जी के पास आएंगे, सतीश निगम जी किस तरह से जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो गया, चाहे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मुद्दा हो गया, किस तरह से देखते हैं आप इसको और क्या उम्मीदें करते हैं इस बार, आपकी क्या उम्मीदें इस बार के सत्र से? देखिए, योजना बनाना अच्छी बात है, लेकिन योजना पर सही तरीके से अमल भी होना चाहिए ताकि उसका रिजल्ट निकले और लोगों को उसका लाभ मिले। योजना तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी बनाई, लेकिन वो जनता तक पहुंची नहीं तो उसका फायदा क्या हुआ? सवाल ये है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगर बात आई है तो उसको उसके लिए कैसे आगे गवर्नमेंट आगे आएगी, कैसे उन व्यापारियों को सहूलियत देगी, कैसे क्या करे, कोई एक कार्य योजना अभी तक इनकी जनता की केवल अभी तो ये खाली एक नारा आया है, इसको नारा मानते हैं और ये मानते हैं कि नारे का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इसके लिए योजना भी नंबर वन। और जहां तक किसानों की बात की जाए, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण कार्यकाल रहा है पिछड़ा वाला कि पूरे 5 साल किसान बजाय अपने घर में सोने के खेतों पर सोया। अगर खेतों की रखवाली नहीं करता तो अन्ना जानवर घूम रहे कि खा जाते, कुछ भी बाकी नहीं बचता। किसान बेचारा इतनी सर्दी इतनी गर्मी और इतनी बरसात किसने खेत पर झेली है। और सबसे बड़ी बात यह है, खाद मौके पर नहीं है, महंगी। सरकार को चाहिए खाद सस्ती करे, सरकार को चाहिए बीज सस्ते मिले, आसानी से मिले। अगर खादों बीज आसानी से मिल जाए तो किसान की परेशानी कम हो जाती है। हमारी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हम लोगों ने पानी की सिंचाई फ्री कर दी थी, खेतों की सिंचाई फ्री कर दी थी और भारतीय जनता पार्टी ने बिजली जो किसानों को दी जाती है उसका मूल्य बढ़ा दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार को ने जो मूल्य बढ़ाया है किसानों को दी जाने वाली बिजली का, उसको वापस लेना चाहिए बल्कि कम करना चाहिए। और बजाय अगर ये संभव अगर किसानों की बिजली फ्री कर दी जाए तो निश्चित रूप से ये इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा किसानों को। बिजली नहीं है, पानी उपलब्ध नहीं है, बीज महंगा है उपलब्ध नहीं है, खाद महंगी है उपलब्ध नहीं है और किसान घर छोड़ के सड़क पर सोए तो किसान तो बिल्कुल बुरी तरह जो बर्बाद। जबकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था खेती और खलिहानी और किसानी पर निर्भर है, ऐसे में किसान को तो बहुत प्रोत्साहन सरकार को देना चाहिए। लोगों को उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है और सरकार से भी उम्मीद है कि कुछ अच्छा काम करे। सड़कों से लेकर विधान सभा तक इस बार नजर आएंगे। बिल्कुल तय है कि समाजवादी पार्टी किसानों के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पर, गरीबों के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी इनको विधानसभा में घेरने का काम करेगी। और जरूरत ये भी है कि वहां तो घेरे ही घेरेंगे, हम सभी लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर के इनको इनके जिले के मुख्यालयों में भी घेरेंगे, इनको ज्ञापन भेजेंगे, इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे कि ऐसे लोगों को जो लोग धोखा देकर के वोट लेकर के गए अगर आपके लिए नहीं कर रहे तो वक्त आने पर इनको सबक सिखाने का काम करेंगे।
जी बिल्कुल हरीश चंदी, किस तरह से आप इसमें जवाब देंगे कि जिस तरह से लगातार इल्जाम है कि धोखा दे करके लोगों को धोखा दिया, किसानों के मुद्दे पर जिस तरह से लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, और इस बार महिलाओं और युवाओं के लिए क्या कुछ खास होगा? देखिए निगम जी, माननीय विधायक पहले भी विधायक रहे हैं, मुझे लगता है सबसे जिम्मेदार करना चाहिए। पूरी यूपी का जहाँ तक सवाल है, अगर आपको जानकारी जी को कि पूरी यूपी की योजना जो है उसकी आप इस तरह से आंक सकते हैं कि जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल उत्तर प्रदेश का बढ़ा उसमें ओडी यूपी के उत्पाद 75% और रिकॉर्ड जो अब तक का जो को सबको पीछे छोड़ते हुए एक नया मानक बनाना है ओडीओपी के उत्पाद एक्सपोर्ट। सरकार का काम है जो वन डिस्ट्रिक्ट ओन प्रोडक्ट है उनको मार्केट मुहैया कराना, उनको ध्यान देना, और उसमें लगातार सरकार ने उनको जो भी जिस जिले के वैश्विक पहचान देने में, वैश्विक मार्केट देने में लगातार अपनी भूमिका को सरकार ने निभाया है। और ये जो भी इंटरप्रेन्योर है, कानपुर भी एक औद्योगिक शहर है, जानकारी में होगा उनका निर्वाचन क्षेत्र है, तो जो भी हर जिले के जो विशिष्ट उत्पाद है उनको किस तरह से मार्केट और सरकार उनको मुहैया करा रही है, सतीश जी को भी खूबी जानकारी होगी। बिजली की बात कर रहे थे, किसानों को बिजली पे पहले से छूट है, बहुत सारी सुविधाएं सरकार है। और जय किसान सम्मान निधि की बात देखें तो लगातार के माध्यम से अगर 1,70,000 करोड़ का भुगतान सीधे उनके खाते में किया गया, गन्ना किसानों को लगभग 1,40,000 उनका भुगतान उनके सीधे खाते में किया गया, तो यह इस बात का प्रमाण है कि किसानों के प्रति सरकार कितनी संवेदनशील है। सरजू नहर और अर्जुन सहायक जैसी परियोजनाओं को पूरा करके अगर लगभग 40,00,000 किसानों को अगर सिंचाई की सुविधा मुहैया कराई, एक बड़े क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र बनाया, तो सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने की बात हो या कृषि उत्पाद को मार्केट उपलब्ध कराने की बात हो, पेरिसेबल आइटम की बात हो रही थी, सब्जियों की बात देवेंद्र जी उठा रहे थे, सब्जी या फल किसान रेल चला करके विभिन्न स्थानों से ये पेरिसेबल आइटम शीघ्र मार्केट पहुंच सके, ये भी कार्य मोदी सरकार ने किया। तो वो किसान प्राथमिकता है, युवा प्राथमिकता है, युवाओं के रोजगार के लिए अनेक ऐसी योजनाएं लाए कि अनुसूचित वर्ग का कोई व्यक्ति 10,00,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक का लोन किसी भी एक बैंक शाखा से प्राप्त कर सकता है। मोदी जी की सरकार बिल्कुल बिल्कुल हरीश चंद्र जी बिल्कुल उम्मीद करती है जनता कि इस बार और तरह की योजनाएं लाए जाए उसके लिए, और जनता ने मैंडेट दिया उसको खास उम्मीद है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से सतीश निगम जी जुड़े, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगी सतीश निगम जी, टैबलेट के जरिए इस बार सवाल पूछा जाएगा, विधायक टैबलेट के जरिए इस बार सवाल पूछ सकेंगे, यह पहला पेपरलेस सत्र होगा, किस तरह से देखते आप इसको और क्या कुछ नया होगा, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगी जल्दी से जल्दी। देखिए सवाल ये पैदा होता है कि लोग सवाल पूछेंगे जी, सवाल का जवाब जो मिले वो चीज अलग है, सवाल हम अगर हमारे सवाल का जवाब वो हो जो वास्तविकता में करना हो तब तो ठीक है, वरना जवाब तो चाहे इतना सवाल जवाब से जीवन नहीं चलेगा, जीवन तो इससे चलेगा कि हम जो बात पूछे और उधर से जो जवाब मिले वो इम्प्लीमेंटेशन उसका हो, वो सड़क पर दिखाई पड़े कि जो हमारे कैबिनेट के लोग, हमारे जिम्मेदार लोग, हमारी सरकार चलाने वाले लोग जो कह रहे हैं वो सच में हमको जीत रहा है। तो मेरा मानना है कि प्रक्रिया बेशक बढ़िया है,
लेकिन इसका अनुपालन भी उतना ही बढ़िया हो ताकि आम जनता को राहत मिल सके। आम जनता बेहद परेशान है, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, कुछ कुछ कमाने खाने वाला हो, नौजवान हो, कोई खुशहाल नहीं है। और हम नहीं समझ पा रहे कि जो जिस तरफ देश की जनता के मन और मिजाज को ले जाया जा रहा है, जिस तरफ मतलब इन चीजों से भड़का कर, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन चीजों से भड़का कर जिस तरफ लोगों के माइंडसेट को ले जाया जा रहा है, कभी यूक्रेन की घटना को दिखा कर, कभी पाकिस्तान की घटना को दिखाकर, कभी दूसरी चीजें दिखाकर, कभी मंदिर मस्जिद दिखाकर, मेरा मानना है कि जनता की असली समस्या ये है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बाहर निकले, उन्हें रोजगार मिले, महंगाई पर कंट्रोल हो ताकि आम गरीब आदमी खा सके, अच्छी शिक्षा मिले। आप देखिए यूक्रेन पे हमला हुआ, हमारे बच्चे जो MBBS करने बाहर गए थे तो वो बेचारे कैसे फंस गए, जीवन और मौत से लड़ते हुए कैसे आए वहां से बच के। हमारा कहना है यही, फीस सस्ती होती हिंदुस्तान में तो हमारे बच्चे MBBS करने बाहर नहीं जाते। सरकार जो कह रही, सरकार इस पर अपनी छाती ठोक रही है, देश की सरकार, कि हम बचा करके ले आए। ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए यूक्रेन जाना क्यों पड़ा? हमारे बच्चों अगर यही जो प्राइवेट स्कूल है उनकी फीस भी अगर सरकार तय कर दे और आम आदमी की रीच में हो तो किसी गरीब का बच्चा तो कभी सोच भी नहीं सकता कि प्राइवेट स्कूल में जो है उसका प्राइवेट स्कूल की फीस जमा कर सकता है। इतनी महंगी फीस तो कोई दे ही नहीं सकता है। तो सवाल ये, जब आम आदमी नहीं पढ़ा पाएगा तो गरीब आदमी का बच्चा, आम आदमी का बच्चा डॉक्टर कभी नहीं बन सकता, इंजीनियर कभी नहीं बन सकता। तो हमारा कहना है कि फीस पर नियंत्रण हो और आम आदमी की रीच में हो, ये सरकार को तय करना है। सरकार इस पर कोई काम क्यों नहीं करती? सरकार केवल नारे देती है, खाली बच्चों को बचा के लिए तो कह रहे हमने बड़ा काम कर दिया। नहीं है, बड़ा सवाल है ये कि हमारे बच्चे वहां गए क्यों, हमारे बच्चे हमारे देश में क्यों नहीं पढ़े? तो ये लोगों को राहत देने का काम करना चाहिए, झूठे नारे खाली भी देना चाहिए। इनके नारों के पीछे जो मंशा है, खाली सरकार को बना के रखना वो गलत है, नारों के पीछे काम होना चाहिए। और काम होगा तो हमारे देश की जनता, प्रदेश की जनता खुशहाल। बिल्कुल सतीश जी, देवेंद्र सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार जो सत्र होना है वो टैबलेट के थ्रू होना है, पहला पेपरलेस सत्र है। सतीश जी बात का मैं जवाब दे दूं, फिर देवेंद्र जी के पास आप जाइए। सतीश जी ने जो मेडिकल छात्रों की बात उठाई कि यूक्रेन से मैं पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी तीन चार बार रही है, सतीश जी की सरकार ने जो 5 साल में 2000 मेडिकल सीटें बढ़ाई और सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोला उन्होंने, तो समाजवादी पार्टी सरकार क्या इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? 3-4 बार उनकी सरकारें रही थी, क्या उसकी जवाबदेही उनकी नहीं बनती? जवाबदेही नहीं बनती तो जिस तरह के सवाल मुझे लगता है उनके उनको वो अगर जी, आप लोग एक एक करके अपना पक्ष रखें, इस तरह से तो ना जनता आपकी आवाज समझ पाएगी ना हम समझ पाएंगे। आप लोग एक एक करके अपनी बात को रखें। आपका डिबेट आधे घंटे का, आप इतने देर तक कर रहे हो, मैंने कहीं और टाइम दिया? मैं अपनी बात अकेले कह रहा हूँ, बोल रहे हैं, मैं उनसे भी चीजें बुझाने चलता हूँ, अगर आपको कहना हो तो मैं चुप हो जाऊँ और अगर मेरी सुननी है तो मेरी सुन लीजिए। मेरे को चाहे हरिचंद जी बोल रहे, हरिचंद जी मेरा नमस्ते स्वीकार करिए, और एक बात कहना चाहता हूँ जो मैंने अभी कहा उसको नटसेल में, केवल इतना कहना चाहता हूँ कि चाहे कोई सरकार हो चाहे कोई सत्र हो, वो जनता के हित के लिए होता है। मेरा मानना है कि अगर जनहित का कोई कार्य करेगा तो उसको निश्चित रूप से जनता भी अप्रिसिएट करेगी और लोग भी अप्रिसिएट करेंगे और हम लोग भी अप्रिसिएट करेंगे। हम सदन के अंदर खाली इसलिए नहीं बैठे हैं कि केवल विरोध करने के लिए, हम बल्कि सरकार को आईना दिखाने के लिए बैठे हैं कि यहाँ तुम गलत कर रहे हो, यहाँ पर तुम्हें इसको सुधारना पड़ेगा, और अगर सरकार नहीं सुधारेगी तो सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि तुम जनहित का केवल काम करो। तो यही हमारा कहना है और आगे भाजपा श्रीवास्तव जी कहना चाहते हैं, अपनी कह ले। धन्यवाद। बिल्कुल देवेंद्र सिंह जी, मैं आपसे एक फाइनल कमेंट चाहूंगी, समय की कमी होने के कारण किस तरह से सत्र को आप देखते हैं, जिस तरह से टैबलेट के जरिए इस बार का सदन पहला पेपरलेस सदन होगा, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं, किस तरह से खास होगा इस बार? देखिए तिस्ला जी, मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ जी, इस पैनल में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं किया जा सकता है, चाहे ये पेपरलेस व्यवस्था से काम करें, सदन चलावें, चाहे टेबलेट के माध्यम से
सिलसिला है। सच्चाई ये है सिलसिला जी कि इनके नियत में खोट है। ये लगातार जो है चंद उद्योगपतियों, चंद पूंजीपतियों, चंद धनाढ्य सामंतवादी और मदवादी लोगों के लिए ये व्यवस्था में ज्यादा इनका रुचि है, उन्हीं के लिए ज्यादातर काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। सच्चे बहुत ही ईमानदारी से मैं अपनी बात कह रहा हूँ आपसे, सच्चाई ये है कि इनकी सरकार में दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, किसान, मजदूर, नौजवान सब परेशान है और उनको किसी भी तरीके से मजबूत बनाना, एम्पावरमेंट करना ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के एजेंडे में है ही नहीं है। ये चंद लोगों को खुश करके ये शासन और सत्ता चलाना चाहते हैं और उसी पे ये आगे बढ़ेंगे। हम विपक्ष हो या कोई भी संगठन और सामाजिक संगठन, चाहे जितना भी संघर्ष करे, चाहे जितना भी आवाज उठाए, इनका ये इतिहास रहा है। पिछले आठ सालों से इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो नौजवान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे इन्होंने सत्ता के बल पर, इन्होंने पुलिस के बल पर जो रौंदने का काम किया है, उनके साथ अत्याचार किया है और उनकी बातों को नहीं मानना है। बिल्कुल कल से बजट सत्र की शुरुआत है देवेंद्र सिंह जी, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, कल से बजट सत्र की शुरुआत है। सरकार भी लगातार कोशिशें, मेरी बात सुनिए देवेंद्र सिंह जी, सरकार भी लगातार कोशिशें कर रही है और हम ये उम्मीद करते हैं कि बातें जो है आप विपक्ष मजबूती से रखे, पक्ष भी बातें रखे और जनता के हित में इस बार का बजट सत्र हो, क्योंकि जनता मैंडेट देती है। समय की कमी होने के कारण मैं इस चर्चा को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला जो पेपरलेस बजट सत्र है विधानसभा का, वो कल से शुरू होने जा रहा है। जनता को तमाम उम्मीदें हैं, जो जनता ने मैंडेट देकर विधायकों को विधानसभा में पहुंचाया है और जनता ये उम्मीद करती है कि विधायक मजबूती के साथ उनका पक्ष रखेंगे और सबसे अहम देखना